जय हिंद, नमस्कार। अग्निपथ योजना को लेकर अभी भी लगातार इसका विरोध हो रहा है। इस योजना पर तरह तरह के कई बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो वहीं सरकार भी इस योजना के बचाव में समय समय पर कई ऐसे प्रलोभन दे रही है, कई ऐसी छूट दे रही है जिससे कि इस योजना का विरोध कुछ कम पड़ सके और इस योजना में जो कमियां हैं उनकी भरपाई हो सके। और केंद्र सरकार ने शायद यही बात राज्य सरकारों को भी कह दिया, जहां पर भी भाजपा की सरकार है जिस राज्य में, वहां पर शायद सीएम को यह कह दिया गया है कि आप अग्निपथ योजना को लेकर कुछ भी ऐसी घोषणा कर दो जिससे कि इसका विरोध कुछ कम हो सके। लेकिन राजस्थान सरकार ने इसको लेकर कुछ ज्यादा ही बड़ा ऐलान कर दिया है। सरकार ने कुछ ऐसी घोषणा कर दी है जिसका कहीं पर भी कोई मतलब ही नहीं निकलता है। राजस्थान सरकार ने कहा है कि युद्ध के दौरान अगर कोई अग्निवीर शहीद होता है तो उसके बाद उसकी पत्नी को 25 लाख रुपए की नगद सहायता राशि दी जाएगी और उसके बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाएगी, यानी अग्निवीर के बच्चों को फ्री शिक्षा भी दी जाएगी। लेकिन इन साहब को शायद यह नहीं बताया गया कि अग्निपथ योजना में ऐसा नियम बनाया गया है कि कोई भी अग्निवीर अपनी 4 साल की सर्विस के दौरान वो शादी ही नहीं कर सकता है। जब वो शादी ही नहीं करेगा, उसकी शादी नहीं होगी, तो फिर ये 25 लाख रुपए किस पत्नी को दिए जाएंगे। सरकार ने कहा है कि अग्निवीरों के बच्चों की जो शिक्षा है वो पूरी तरह फ्री होगी, जब शादी ही नहीं होगी तो फिर बच्चों को फ्री शिक्षा कहां से दी जाएगी। हालांकि कई घोषणाएं इसमें ऐसी भी की गई हैं जो काफी हद तक ठीक भी है, लेकिन ये तमाम घोषणाएं सिर्फ राजस्थान के अग्निवीरों के लिए है और सिर्फ उनके लिए है जो लौट कर कभी अपने घर नहीं आ पाएंगे, यानी शहीद होने पर ही उनके परिजनों को ये लाभ दिए जाएंगे, जीते जी उनके लिए कोई लाभ नहीं है। अब आप यहाँ पर एक बार देखिए इस खबर को, यहाँ से पूरा पढ़ लीजिए, यहाँ पर आपको वो तमाम बातें पता चल जाएंगी कि राजस्थान सरकार ने अग्निवीरों के शहीद होने पर उनके परिवार को क्या क्या सुविधाएं देने की घोषणा की है। देखिए, हम इस योजना जो अग्निपथ योजना है इसको लेकर हम शुरू से ही इसका विरोध करते आए हैं, कहते आए हैं कि इस योजना में इतनी कमियां हैं कि अगर उन कमियों को सुधारने लग जाएं तो शायद इस योजना का नाम ही नहीं बचेगा। लेकिन सरकार है कि इस योजना को बचाने के लिए, इनकी कमियों को छिपाने के लिए इस पर तरह तरह की लीपापोती कर रही है। कभी कहा जाता है कि आपको अर्धसैनिक बलों की नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा, कभी किसी दूसरी भर्ती में तरह तरह की छूट की बात की जा रही है, और राज्य सरकारें भी इसको लेकर तरह तरह की घोषणाएं कर रही हैं, लेकिन फिर भी इन कमियों को छिपाया नहीं जा रहा है। इन तमाम घोषणाओं के बाद भी जो अग्निवीर की कमियां हैं, अग्निपथ योजना की कमियां हैं, वो सबको दिख रही हैं। क्योंकि देखिए, अगर किसी चीज की नींव हीत होती है, कमजोर है, उसमें कमियां हैं, तो फिर आप उसके ऊपर कितना ही काम कर लो, कितनी ही उसकी तारीफें कर लो, कितना ही पोती कर लो, लेकिन जो उसकी सच्चाई है वो तो सबको दिखेगी ही, और यही हाल अग्निपथ योजना को लेकर है। सरकार इसको लेकर कितने ही प्रलोभन दे रही है, कितने ही छूटें दे रही है, राज्य सरकारें इसके लिए अलग अलग घोषणाएं कर रही हैं, लेकिन इसमें जो कमियां हैं उनकी भरपाई ये घोषणाएं फिर भी नहीं कर पा रही हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि वो इस योजना पर एक बार पुनः विचार करे, इसमें जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, उन पर चर्चा करे और इसके नियम कायदे जो बनाए गए हैं उन्हें प्रैक्टिकली धरातल पर जाकर आप देखें कि क्या वो नियम लागू कर पाना संभव है। सरकार के किसी नेता, मंत्री या उनके बच्चों को अग्निवीरों के स्थान पर रखकर देखें कि अगर उनके बच्चे सेना में अग्निवीर होते और उनके साथ ऐसा भेदभाव किया जा रहा होता तो क्या तब भी वो इस योजना को अच्छा कह रहे होंगे? क्या वो इस योजना में अपने किसी बच्चे को भेज सकते हैं? चलो, पहले तो ये था कि 15 साल की सर्विस है, अब तो सिर्फ 4 साल की ही बात है। और फिर सरकार यह भी तो कह रही है कि सेना की ट्रेनिंग लेकर जो है 4 साल बाद अग्निवीर अपने घर वापस लौटेंगे तो इससे समाज में एक अच्छा माहौल बनेगा। तो फिर इस समाज में अच्छा माहौल बनाने के लिए इन नेता मंत्रियों के बच्चों को भी तो मौका मिलना चाहिए। देखिए, हम किसी को भी भला बुरा कहना बिल्कुल नहीं चाहते और ना ही हम किसी को भला बुरा कह रहे हैं, लेकिन अग्निपथ योजना लागू कर सैनिकों के बीच में जो एक भेदभाव कर दिया गया है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो पूरी तरह गलत है। देखिए, स्कीमें लागू करना, उन्हें बंद करना, ये सरकारों का काम है, लेकिन ये देखना भी सरकारों का ही काम है कि किसी योजना से लोगों को कोई परेशानी तो नहीं हो रही। लेकिन यहां पर शायद सरकार ये देखना ही नहीं चाह रही है, या तो फिर सरकार को वो दिखाया, वो बताया ही नहीं जा रहा है कि इस योजना से अग्निवीर कितने परेशान हैं, उन्हें कितनी पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है। इसलिए सरकारें अग्निवीरों की परेशानियों को समझें और इस योजना को लेकर कोई ऐसा फैसला ले जिससे कि किसी को परेशानी ना हो, अग्निवीरों को भी कुछ सुविधाएं मिल सके। देखिए, अगर आप इस मुद्दे से संबंध रखते हैं तो आप इसको लेकर अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं।
सकते हैं। और अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो फिर आप आज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये सच्चाई, ये तमाम बातें सभी के सामने आ सकें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।